ये यहाँ का टिकट घर। आया टिकट ले लिया। तो अब ये एंट्री कर चुके हैं हम लोग चिड़ियाघर में। ये देख सकते हैं यहाँ के पार्क कितने अच्छे हैं। यहाँ का वातावरण काफ़ी ही अच्छा है, एकदम हरियाली चारों तरफ है और हवा आपको एकदम शुद्ध मिलने वाली है। ये सामने आपको एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। ये रेस्टोरेंट है जो चिड़ियाघर के अंदर है, आपको मिलेगा। पीने के पानी का भी आपको व्यवस्था काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इसमें आपको। ये हम आ गए हैं चिड़ियाघर में। आपको यहाँ रंग बिरंगे चिड़िया देखने को मिल जाएंगी। तो दिखा दे रहे हैं, मोबाइल तो इसमें जा नहीं पाएगा, फिर भी आपको दूर से हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये है मोर। ये शायद शुतुरमुर्ग है। दिखाते हैं आपको ये कौन सा जानवर है। जितने यहाँ जानवर है उतने तो हमें नाम भी नहीं मालूम। देखिए ये है, इसके बहुत बड़े बड़े पैर हैं। आपको जूम करके कैमरा में दिखाते हैं। ये देखो, इधर से आपको दिखाते हैं। और एक यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलने वाली है, जैसा मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ का वातावरण शुद्ध, साफ और स्वच्छ है। हवा तो आपको यहाँ एकदम नेचुरल मिलने वाली है। ये देखिए, आपको बताते हैं मगरमच्छ। ये है सामने मगरमच्छ, एक के ऊपर दूसरा भी सो रहा है। तो दिखाते हैं यहाँ पर से ये कैमरे को, कहीं है मगरमच्छ। मगरमच्छ और भी होंगे लेकिन पानी की वजह से लगता है हमें दिख नहीं रहा है। सारनाथ, यह है सारनाथ डियर पार्क मिनी जू। इसको आपको यहाँ से दिखाते हैं। अंधेरे होने की वजह से इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। ये लोग मिट्टी में होल करके रहते हैं। देखिए एक 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 अंदर यहाँ पे है। चल रही है।
बच्चों में काफ़ी क्रेज है जू में आने का और यहाँ के विभिन्न विभिन्न चिड़ियों को देखने का। आप जहाँ ले जा रहे हैं यहाँ पर आपको पैरेट मिल जाएंगे। बाड़े से दूरी बनाए रहें, यहाँ पहले ही लिखा है कि बाड़े से दूरी बनाए रहें। ये सब जंगली तोते हैं, अंदर भी हैं 5-6, थोड़ी दूरी होने की वजह से क्लियर नहीं दिख पाएगा। ये सामने एक है, इसको देखते हैं। यह है काका टेल, ये तोते का दूसरा प्रजाति है काका टेल। शायद तोते का ही प्रजाति है, हमें तो पता नहीं, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस पर साफ साफ लिखा हुआ है काका टेल कॉकटेल। काका टेल कॉकटेल तो नहीं कहेंगे, काका टेल कहेंगे। पैदल चलो, थोड़ा सा पैर की एक्सरसाइज कर लो। देखो ये कौन सा है, सन पैराकिट, सन पैराकिट। हम तो पहली बार ऐसा ऐसे पंछी को देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नीचे तो नहीं है, ऊपर सारे हैं जो पिंजरे पे हुए हैं, जो पिंजरे में बैठे हुए हैं। यहाँ आगे जेब्रा फिंच, ये भाई साहब है जेब्रा फिंच, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, ये इतने छोटे हैं कि इसमें दिख ही नहीं रहा है। देखिए ये एक दो बैठे हुए ऊपर, चलिए आगे चलते हैं, आगे के दिखाते हैं। लव बर्ड, ये आ गया क्रीमी युगल वाला लव बर्ड। आते हैं बजरी, देखिए ये है बजरी, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। हमने एक ही तरफ फिल्म देखा था, इसको देखते हैं। हाँ इसमें देखिए आपको मिल जाएगा कछुआ, वो देखिए सामने ये बैठा हुआ है कछुआ। जाली होने की वजह से कैमरा वहाँ पर क्लियर व्यू दिखा नहीं पा रहा है, कोशिश करते हैं कि क्लियर व्यू आपको दिखे। ये है कछुआ, और भी कछुआ होंगे लेकिन जो पानी के अंदर होंगे। बचपन में पहले हम लोग आते थे चिड़ियाघर में घूमने के लिए, और उसके बाद हमको लगता है कि 20 साल के नियरबाउट हो गया हमें चिड़ियाघर में आए हुए। और ये यहाँ आपको मिल जाएगा हिरन, बर्ड, सिंघा, आपको सारे मिल जाएंगे देखने को। चलिए आपको दिखाते हैं, वो देखिए हिरन के बस सिंघा है पता नहीं, लेकिन वो दौड़ लगा रहे हैं। पेड़ यहाँ के जो वन विभाग के लोग हैं वो पेड़ काट के उनको दे रहे हैं ताकि ये अपना भोजन कर सकें। दोस्तों जो आप घूम रहे हैं ये सारनाथ का चिड़ियाघर है, और यहाँ पे आपको मछलियाँ रंग बिरंगी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो देख रहे हैं तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं इसमें, वो देखिए सब जगह आपको वाइट वाइट मिलेंगी या ब्लैक ब्लैक, यहाँ पर ऑरेंज मछली आपको मिल जाएंगी देखने को। वो देखिए आपको दिखाते हैं, तो फिलहाल हम लोगों ने सारा चिड़ियाघर घूम लिया।